नमस्कार, स्वागत है आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हमें मिल रही है, मनमाने बिजली बिलों पर सदन में हंगामा हुआ है, किसानों को लेकर स्पीकर भी चिंतित है। उन्होंने भी कहा है मेरे क्षेत्र के किसान भी परेशान है। आसंदी ने सरकार से जाँच के लिए कहा है, किसानों के बिजली बिलों पर सदन में हंगामा हुआ है। बीजेपी के ही विजयपाल सिंह ने ये मुद्दा उठाया था। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, मनमाने बिजली बिलों पर सदन में हंगामा हुआ है, किसानों को लेकर स्पीकर भी चिंतित हैं। उन्होंने कहा मेरे क्षेत्र के किसान भी परेशान हैं। आसंदी ने सरकार से जांच के लिए कहा है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता अंकुर अधवरी जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकुर जी, मनमाने बिजली बिलों पर सदन में हंगामा हुआ है, बीजेपी के विजयपाल सिंह ने ये मुद्दा उठाया था और साथ ही अब जो है स्पीकर उन्होंने भी यही कहा है कि मेरे क्षेत्र के किसान भी परेशानी, यानी कि तमाम जो बातें सामने निकल कर आई हैं, कुल मिलाकर सरकार जो दावे करती है कि किसानों के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सारे दावे यहां पर फेल होते अब दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं बिजली बिलों को लेकर चाहे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो किसानों को जो बिजली बिल दिए जा रहा है वो मनमाने बिल दिए जा रहे हैं, इसी को लेकर बीजेपी के ही विधायक विजयपाल सिंह ने मुद्दा उठाया था। उसके बाद कई और कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने ये मुद्दा उठाया, निश्चित तौर पर इसको लेकर सदन में हंगामा भी हुआ और उसके बाद स्पीकर है उन्होंने भी कहा कि हमारे क्षेत्र में भी किसान बिजली बिलों से परेशान है। निश्चित तौर पर जब आसंदी ने ये मान लिया है तो ऐसे में अब जो ऊर्जा मंत्री है प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने पूरे मामले की जांच की बात कही। निश्चित तौर पर बिजली बिल खासतौर पर किसानों के लिए जो बिजली बिल है वो मनमाने दिए जा रहे हैं, इसको लेकर आज सदन में हंगामे जैसी स्थिति बन गई। अंकुर जी, जिस तरीके से जो बीजेपी के विजयपाल सिंह ने मुद्दा उठाया और अब गिरीश गौतम ने भी कह दिया है कि उनके क्षेत्रों के किसान भी परेशान है, तो यहाँ पर सरकार जो दावे करती है वो यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे हैं और इसी के साथ अब विपक्ष को भी जो है मुद्दा और मिल गया है। निश्चित तौर पर विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि विपक्ष के विधायकों ने नहीं उठाया था, ये सत्ता पक्ष के ही विधायक विजयपाल सिंह ने मुद्दा उठाया था बिजली बिलों का। अब इसी को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, निश्चित तौर पर सदन में पक्ष को एक बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया है। जी अंकुर जी, यानी कि कह सकते हैं बीजेपी की अब मुश्किलें और बढ़ती दिखाई दे रही है, बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है जिस तरीके से जो है अब विपक्ष और ज्यादा हमलावर होगी सत्ता पक्ष पर। बिल्कुल, महंगाई को लेकर विपक्ष वैसे ही हमलावर था, महंगाई को लेकर चीजें हादसे को लेकर डीजल पेट्रोल को लेकर इन सब चीजों को लेकर था, अब बिजली बिलों का मुद्दा और उनके हाथ में लग गया, तो अब बिल्कुल विपक्ष हमलावर हो गया है। निश्चित तौर पर जब सत्ता पक्ष के विधायक ये मामला उठा रहे हैं और खासतौर पर स्पीकर जब ये मामले आप कह रहे हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पर विपक्ष अब और हमलावर हो गया। जी शुक्रिया अंकुर जी इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल मनमाने बिजली बिलों पर सदन में हंगामा हुआ है, पहले से ही विपक्ष जो है पूरे मूड में है सरकार को घेरने के, लगातार हंगामे की स्थिति बनी हुई है सदन में और एक बार फिर अब विपक्ष को एक और मुद्दा मिल गया है सत्ता पक्ष को घेरने का, क्योंकि ये भी जो है मुद्दा बीजेपी के विजयपाल सिंह ने सदन में उठाया और अब तो स्पीकर ने भी किसानों को लेकर कहा है कि मेरे क्षेत्र के किसान भी परेशान हैं, स्पीकर भी चिंतित हैं। ऐसे में विपक्ष को बैठे बैठा एक और मुद्दा जो है सरकार को सत्ता पक्ष को घिरने का मिल गया है।